बलात्कार और हत्या की सजा काट रहा बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम का जेल से बाहर आने का रास्ता अब एक बार फिर से हरियाणा सरकार द्वारा साफ कर दिया गया है। जी हां, हरियाणा सरकार एक बार फिर से बाबा राम रहीम पर मेहरबान हो गई है और अब फिर से बाबा जेल से बाहर आने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दरबार। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कल एक बड़ी राहत मिली है और एक बार फिर से कल सुबह पैरोल पर बाबा को सुना दिया जेल से एक महीने के लिए हरियाणा सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है। इससे पहले इसी साल 7 फरवरी को गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई थी और 28 फरवरी को पैरोल समाप्त होने के बाद राम रहीम को वापस सुनारिया जेल में लाया गया था। इसी के साथ ही पिछले साल भी बाबा राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए सुबह से शाम तक की आपातकालीन पैरोल दी गई थी और इस बार पैरोल मिलने पर बाबा राम रहीम बागपत आश्रम पहुंचा और बाबा के साथ उनकी मुंह बोली बेटी यानी हनीप्रीत और उनका चचेरा भाई भी मौजूद थे। बाबा राम रहीम ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है और प्रशासन के आदेशों का पालन करने को भी कहा है। गौरतलब है कि बाबा राम रहीम इस समय कई गंभीर मामलों में सजा काट रहा है और जिस तरह से सरकार उनको जल्दी जल्दी पैरोल दे रही है उससे अन्य अपराधियों पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। और क्या सरकार का बाबा को पैरोल देना उचित है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।